हेलो दोस्तों, वेलकम आ चैनल पंजाबी खाना। तो अज की इस वीडियो दे विच आपां बनावांगे कुलचे अते छोले। आपां बनावांगे कुलचियां दे ब्रेड ते फिलिंग छोले मिक्स करांगे। असीं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप दसांगे कि तुसीं घर दे विच बड़ी आसानी दे नाल ते टेस्टी कुलचियां दे ब्रेड ते छोले मिक्स किद्दां बना सकदे आ। तो चलो फिर हुण आपां शुरू करदे आ। सब तो पहलां आपां बनावांगे ब्रेड कुलचियां वास्ते। उहदे लई असीं एक पहला भांडा लिया जिदे आप जिहड़ा आटा जिहड़ा गुनना वा उहदे लई मैं जिहड़ा सैल्फ रेजिंग मैदा जिहड़ा मैं यूज़ कर रहा एक कौली, एक कप मैं दही का यूज़ किया, अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप मैं वैजिटेबल ऑयल यूज़ किया। तुसीं बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हुण आपां इहनूं पहलां सब तो पहले चंगी तरीके दे नाल आपां इहनूं मिक्स कर लेना, जिवें कि आपां आटा गुनदे आ उदों पहलां आपां इहनूं मिक्स कर लेना चंगी तरह। दोस्तों जिहड़ा इह सैल्फ रेजिंग मैं फ्लावर लिया वा मैदा लिया, इहदे विच सानूं कुछ भी पाउण दी लोड़ नहीं। जिहड़ा इह आ इहदे विच आपे ही सारा कुछ हुंदा, जीस्ट वगैरह, इह अपने आप ही बड़ा फ्लफी तरह दा जिहड़ा कुलचे बणनगे इहदे नाल। इस तरह तुसीं हौली हौली जिहड़ा आटा वा इहनूं मिक्स करके इस तरह तुसीं इहनूं गुन लेना आटे नूं, ते मुड़ के इहनूं आपां थोड़ा जिहा जिहड़ा वैजिटेबल ऑयल ला के इहनूं 45 to 50 मिंट तक आपां इहनूं साइड ते रख देना, तां कि जिहड़ा विच इहदी जीस्ट वगैरह हैगा उह इहदे विच असर कर जावे, ते जिहड़ा आटा वा आलमोस्ट 1.5 गुणा वध जाणा। ते इहनूं चंगी तरह तुसीं इस तरह घिओ ला के जां तेल ला के ते इहनूं किसे भांडे दे नाल कवर करके रख देना। ते हुण देखो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मिंट हो चुके आ, ते जिहड़ा आपणा आटा वा उह कुलचियां दे लई बिल्कुल रेडी आ। तो इनू आपां इस तरह करके दोस्तों आपां असी इहदे इन्ने मैदे दे आटे दे असी 8 कुलचे बनाउणे आ, ते इहनां नूं आपां 8 बराबर दे हिस्सिआं दे विच पहलां वंड लेना। ते फिर उहनां नूं जिद्दां आपां रोटियां वेलण वास्ते आपां पहलां पेड़े करदे आ, ते फिर उहनां नूं आपां वेलदे आ, आपां उस तरह इहनां नूं वेल लेना। इस तरह इन्हां दे आपां पेड़े करके इन्हां दी आपां हुण लाइक जिवें आपां रोटी पकाउंदे ने इस तरह जिहड़े मीडियम जे साइज़ दे आपां कुलचियां वास्ते इन्हां नूं तैयार करांगे। ते तुसीं देखो इन्हां नूं इस तरह पेड़े करके इक भांडे दे विच आपां रख देना, ते इन्हां नूं ढक लैणा दोस्तों तां कि इह जिहड़े ड्राई ना हो जाण। जिहड़े इह कुलचियां दे ब्रैड आ दोस्तों, इह असीं बनावांगे ओवन दे विच। इहनूं तवे दे उत्ते भी बना सकदे हां, पर असीं ओवन दे विच बनाउणे आ। उहदे लई असीं इक ओवन वाली प्लेट उहदे ते फॉयल पेपर ला के इस तरह असीं जिहड़ा वैजिटेबल ऑयल आ इह नॉन स्टिक स्प्रे आ कर लईए इहदे ते, तां कि जिहड़े आपणे कुलचे आ उह थल्ले ना लगण। ते तुसीं किसे वी तरहां दा वैजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकदे आ। ते फिर इस तरह जिहड़े आपां पहलां राउंड पेड़े कीते सी कुलचियां वास्ते उहनां नूं आपां वेलने दे नाल आपां थोड़े जे मीडियम साइज़ नूं कर लेना, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने, तो ना ही आपां बहुते मोटे रखने। जिहा कुलचियां दा साइज़ हुंदा आपां उस तरह दे इदां दे राउंड साइज़ बना के जिहड़ी इह प्लेट आ इहदे विच आपां स्प्रैड कर लेने आ, तां कि इह चंगे तरीके दे नाल इह सैपरेट रहिण। ते जदों आपां इहनां नूं कुक करांगे तां इह रेज़ भी हो जाण, थोड़े जे फुल जे भी जाणगे। तुसीं देखो असीं हुण इक कुलचा ऑलरेडी बना लिया। इस तरीके दे नाल आपां सारे जिहड़े आ पेड़े आ उहनां नूं आपां कुलचियां दी शेप दे के इस प्लेट दे विच रख देना, ते फिर आपां रेडी होवांगे इहनूं ओवन दे विच ट्रांसफर करन लई। ते हुण अपने जिहड़े इह कुलचे आ इह बिल्कुल तैयार आ ओवन दे विच जाण दे लई। ते सब तों पहलां आपां जिहड़ा ओवन नूं आ बेक दे उत्ते 350 डिग्री ते सिलैक्ट करके इहनूं आपां स्टार्ट करांगे। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 350 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਨ ਆਲਰੇਡੀ 350 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ 15 to 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 350 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ 20 to 25 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਭਰਨੇ ਆ ਛੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲਏ ਚਿੱਟੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੰਢਾ
असी दो टमाटे यूज़ कर रहे हैं, हरा धनिया कटिया होया, हरी मिर्च, तो असी इतने इमली ली है दोस्तों, तुसी कैचअप भी ला सकते हैं। तो लास्ट के अपने को गर्म मसाला एक चमचा, चाट मसाला एक चमचा, थोड़ी जी असी लाल मिर्च ली है टेस्ट के मुताबिक, तो एक चमचा नून, तो नाल असी लिया लैमन जूस। तो हुण आपां इन्हां नूं सारयां नूं मिक्स करांगे। मिक्स करन दे लई जिवें आपां पहलां गल कीती सी, मैं इह बाउल लिया होया कच दा, इहदे च सब तों पहलां आपां इक जिहड़ी कौली चिट्टे छोले उबले हुए लए आपां उहनां दी पा लैणी आ। उस तों बाद इहदे विच आपां इक गंढा कट्टिया होया उह पा लैणा। दो टमाटे कट्टे हुए वह पा लेने हैं। तो आप आलू पा लेने हैं। इतने असी दोस्तों नोट किया, जे आप आलू पहला पा लें तो जोड़े आलू है वह बहुत ही ज़्यादा बरीक जे हो जाते हैं। हूँ आप पा लेना हरा धनिया, तो हरी मिर्च कट्टी हुई, ये आप पावे जेडे आप मसाले ले सी, जोड़ा अपने को एक चमचा चाट मसाला, एक चमचा गर्म मसाला, असी एक चमचा नून दा लिया, तो थोड़ी जी असी लाल मिर्च ली है, तुसी स्वाद के मुताबिक पा सकते हैं, जां तुसी हरी मिर्च पा सकते हैं, जिहड़ी लाल मिर्च है वह ऑप्शनल है। इत्थे ते इहदे विच आपां पावांगे असी तीन चमचे जिहड़ी इमली आ, आपां जिहड़ी व्याहां दे विच जां चटनी यूज़ करते हैं वह आ, जे तुहाडे कोल उह नहीं अवेलेबल तां तुसी कैचअप भी यूज़ कर सकते हैं। तो हुण आपां इहदे विच पावांगे लैमन जूस, तुसी फ्रैश लैमन भी इहदे विच पा सकते हो, जां लैमन का जूस, साडे कोल जिहड़ा जूस अवेलेबल आ, जूस भी तुसी दोस्तों जिवें एक टीस्पून पाउणा वा तुसी जां अपने स्वाद मुताबिक पा सकते हैं, यह भी ऑप्शनल आ। तो हुण आपां इहनूं चंगी तरीके दे नाल मिक्स कर लेना, तां कि जिहड़ा अपने स्पाइसिस आपां मसाले विच पाए आ उह थल्ले ना रहिण, ते सारा कुछ जो आ उह मिक्स हो जाण। इस तरह देखो तुसी इहनूं असी चंगी तरीके दे नाल जिहड़ा इहनूं मिक्स कर लिया। हुण अपने जिहड़े ये छोले मिक्स फिलिंग आ ये बिल्कुल तैयार आ कुलचिआं दे विच भरन नूं। दोस्तों असी स्मैल दे नाल दस सकदे आ कि ये बहुत ही टेस्टी बनणगे। तो ये देखो जिहड़ा अपना मिक्सर आ ये बिल्कुल रेडी आ। तो हुण आपां अपने कुलचिआं नूं वी चैक करदे आ दोस्तों, इन्हां दी एक साइड बिल्कुल रेडी आ, इहनूं अप्रोक्सीमेटली 10 तों 12 मिनट हो गए विच रखे नूं। तो हुण आपां इहदी साइड आ जिहड़ी चेंज करांगे। ध्यान विच रखिओ दोस्तों, मैं एक वारी फिर दस दिआं कि तुसीं बहुत ज़्यादा हीट नहीं करनी, इहनूं घट तो घट 20-25 मिनट लगते हैं कुक होने। तो जिहड़े कि ये कुलचे ब्रैड आ ये विच्चों भी बिल्कुल चंगे तरीके दे नाल ये कुक हो जाएंगे। जे तुसी इहनूं बहुत ज़्यादा हीट दे उत्ते करदे आ तो उपरों तो थल्लों ये बर्न हो जाने, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाने, तो विच्चों ये जिहड़े आ कच्चे रह जाते हैं। तो हुण देखो अपने जिहड़े मैं इहनूं 15 मिनट मेरे होर लगे आ, तो अपने जिहड़े कुलचिआं दे ब्रैड आ वह बिल्कुल रेडी आ। तो इहनां नूं आपां थोड़ा जिहा टाइम ठंडे होने लई रखांगे। ठंडे होने तों बाद इहनां नूं आपां अगे भरन के लिए विचों कटांगे। उहदे लई तुसी कोई भी इस तरह का नाइफ यूज़ कर सकते हैं, असी एक कटांगे, तुसी इस तरीके दे नाल बाकी सारे कट लेने आ। तो जदों इहनूं कटोगे दोस्तों जिहड़ी इहदी उपरों ते थल्लणों इहदी अपनी परत हैगी आ उह बहुत थोड़ी जी हार्ड आ ते विचों बहुत सॉफ्ट आ, जिहदे नाल इह जिहड़ा फिल आसानी दे नाल हो जाणा। तो तुसी ख्याल रखना इहनूं बहुत ज़्यादा नहीं कटना, हिसाब दे नाल कटना जिन्ना कि तुसी इहनूं भरन दे विच तुहानूं आसानी होवे। ये देखो असी एक जिहड़ा ब्रैड आ वह कट लिया, तो ये बिल्कुल रेडी है। इस तरीके दे नाल तुसी जिहड़े बाकी दे ब्रैड आ उहनां नूं कट लेना। तो हुण आपां इहनां नूं भरांगे। भरन लई दोस्तों जे तां तुसी ब्रैड जिहड़े फ्रैश बनाए आ तां तुहानूं बहुता कुछ लाउण दी लोड़ नहीं, पर जे इह ठंडे हो चुके आ तां तुसी थोड़े टाइम बाद सर्व करदे आ, तां इहनां नूं इस तरहां जां कोई फ्राई पैन जां तवे दे उत्ते जिवें कि जां मेरी इह कुकिंग प्लेट जी हैगी आ इहदे उत्ते आपां थोड़ा जिहा बटर ला के इहनूं दोनों साइडा पर जिहड़ा इहनूं इस तरह आपां थोड़ा जिहा वार्मअप कर लेना, गर्म कर लेना, जिहदे नाल जिहड़े इह कुलचे आ इह सॉफ्ट हो जाते आ ते होर भी टेस्टी बन जाते आ। तो चलो फिर हुण अपने जिहड़े कुलचे आ ब्रैड इह भी इहनां नूं आपां बटर ला लिया, तो इहनां नूं आपां थोड़ा जिहा गर्म कर लिया, तो हुण आपां इहनां नूं भरदे आ। भरन तों बाद इह बिल्कुल रेडी आ सर्व करन दे लई। तो इस तरह तुसी इहनां नूं मूरों फड़ के इहदे विच जिहड़े अपना मिक्स किए हुए अपने छोले वगैरह वो ये चंगे तरीके भर लेने हैं। तो सोनू असी एक भर के दिखाने, तुसी इस तरीके जिहड़े बाकी भी है उन्होंने भी इस तरीके भर लेना।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਪਰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। देखो मैं यहाँ दूसरा भी कुलचा जिहड़ा बिल्कुल मैं भर के रेडी कर लिया, तुसीं इस तरीके दे नाल उत्तों हौली दे नाल प्रेस कर देना तां कि जिहड़ी अपनी विच फिलिंग कीती हुई आ उह बाहर ना निकले। तुसीं इस तरीके दे नाल जिहड़े बाकी दे सारे आ उहनां नूं भी तुसीं चंगी तरीके दे नाल भर लेना ते तुसीं इहनां नूं इंजॉय करो। ते हुण जिहड़े अपने कुलचे आ दोस्तों इह बिल्कुल रेडी आ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जे तुसी साड़ी वीडियो नूं लाइक कीता इनू शेयर ते सबसक्राइब जरूर करियो। मिलांगे अगली वीडियो दे विच एक नवी होर रेसिपी दे नाल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।